वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट एंड वेलकम टू ग्रेडअप जेई आई होप बहुत लंबा टाइम हो गया है सब ने रिविजन वविजन स्टार्ट कर दिया होगा इनफैक्ट कम्प्लीट भी हो गया होगा एग्जाम कंटिन्यूसली पोस्टपोन्ड होते चले जा रहे हैं और अभी तक आपको ये पता नहीं कब से होगा बट होपली कोर्स कंप्लीट है आप सब ने रिवाइज़ कर लिया होगा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक केमस्ट्री क्वेश्चन कितने बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस याद है और सब रिवाइज कर लिया है एंड हाउ आर यू ऑल कैसी चल रही है प्रैक्टिस फाइनल रिवीजन फाइनल रिएजेंट जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें सबने पढ़ ली हैं ग्रेट तो लेट स्टार्ट तो आज मैं ऑर्गेनिक uh, केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर बायोमालिक्यूल तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के फोर ऑप्शन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसको बहुत जल्दी आंसर करना सो दैट वी कैन एबल टू गेट द टाइम कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए विद रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑल दैट Uh, प्रियांशु वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द रैंक जे दिस ईयर तो रैंक अप जे इस साल नहीं होगा तो अब आप हाँ, उस रैंक ऑफ जे को कॉम्पनसेट करने के लिए शायद हम यूट्यूब में अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें और वो सारे कंटेंट यूट्यूब पे ऐसे ही देते रहें जैसे अभी स्टार्ट किया और आप रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगी आराम से पढ़ते रहो प्रैक्टिस करते रहो प्रिपेयर विथ योर नोटबुक एंड पेन तो सबसे पहले सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहो क्योंकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म को ड्रॉ करना इसके लिए आप सबको पेन नोटबुक इनकी जरूरत पड़ेगी सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एम इन जैसा कि मैंने कहा आज मैं जीओसी ओ सी से लेकर बायोमोलिक्यूल तक के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं तो ये पहला क्वेश्चन है जो एम से है तो आपके हाथ में नोटबुक और पेन होगी तो पहले रिएक्शंस को लिख लो उसके मैकेनिज़म के बारे में सोचो और उसके बाद जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो फिर आप अपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना और जरूरी नहीं कि जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं वही देखो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें और सोच सकते हो आप सोच सकते हो कुछ और भी हो सकता है तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिखना तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो क्यों नहीं हो सकता दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार सही क्या है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गलत क्या है और क्यों है तो वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एन इज़ एन फॉर जेई मेन्स हंड्रेड ठीक है तो चलो बताओ हाँ हाँ रोहित बिल्कुल तो ये पहला क्वेश्चन है और आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें एक एस्टर है देर इज अ कीटोन एन सी एच थ्री सी टू एच फाइव ये जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है छोटा सा है सी टू एच फाइव ओ एन ए तो पहले आराम से सोचो और उसके बाद जो भी आपने सोचा और आंसर बताया वो जरूर नोट करना और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना मैं आज मैकेनिज्म के अलावा वो भी बताऊंगा कि जो आप सोचे उसमें क्या गलतियां हैं एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कुछ पता नहीं है तो फटाफट से बताओ पहले आप सोच लो जिसका आंसर आ गया वो पहले लिखना स्टार्ट करो फिर हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे सो so, नाइट्रोजन है उसमें एस्टर ग्रुप लगा हुआ आगे किस तरह से रिएक्शन होगी ये देखो ऋषभ ऐसा कोई छुट्टी तो नहीं है बस हो गई तो क्या ऑप्शन आया आप लोगों का किसी ने कहा बी किसी का है सी सी ठीक है चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ज्यादातर बच्चों का आंसर वैसे आ गया है। बिल्कुल देखो मैकेनिज्म अगर आपको नहीं भी आती आप बेसिक लॉजिक से भी चलोगे तो आप उस मैकेनिज्म को कंक्लूड बहुत आराम से कर दोगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे देखो कैसे सोचना चाहिए सबसे पहले जो रिएजेंट लिखा हुआ है वो है सी टू एच फाइव ओ माइनस तो पहला स्टेप सोचने का तो यहां से स्टार्ट होता है कि यार सी टू एच फाइव ओ माइनस क्या है देखो इथाइल ग्रुप का ना प्लस आई इफेक्ट है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो काफी ज्यादा होगा तो कैन आई से सी टू एच फाइव ओ माइनस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएजेंट क्या है तो यहां पे सी टू एच फाइव ओ एन ए था जिससे आपको सी टू एच फाइव ओ माइनस मिला आपनेटिफाई किया स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस है अब आप ये सोचो कि बेस का क्या काम होता है बेस का काम होता है एच प्लस को लेना एसिडिक हाइड्रोजन को लेना आपके पास दो मॉलिक्यूल है और दोनों में ही एसिडिक हाइड्रोजन है अब आपको ये चेक करना है कौन ज्यादा एसिडिक है, है तो मैं इसको एक्सरे एक्सप्लेन करता हूं जैसे इस फाइव मेंबर रिंग को जरा देखना फाइव मेंबर रिंग में यहां पे ना डबल बॉन्ड ओ है यहां पे नाइट्रोजन है एंड देयर इज ए मिथाइल ग्रुप अटैच एट दिस पोजिशन है ना अब आप ये बताओ कि जो आपने बेस लिया है सी उसका काम होता है एच को लेना अब आप रिलेट करो नेम रिएक्शन से ये याद है सबको कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन में जो बेस होते हैं वो ओ एच माइनस होता है तो वो किटोनिक ग्रुप के अल्फा पोजिशन के एच को निकाल लेते हैं और आपको ये भी पता है कि यार ओ एच माइनस के रेस्पेक्ट में सी टू एच फाइव वो माइनस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉग बेस है तो अगर ओ एच माइनस किटोनिक के अल्फा के एच को निकाल सकता है तो इसका मतलब सी टू एच फाइव वो माइनस तो बहुत आराम से निकाल सकता है तो क्या ये सोचना ठीक होगा कि ये जो बेस है वो इस कीटोन के अल्फा को निकालेगा देखो एक अल्फा तो ये है एक अल्फा ये है इसमें तो कोई हाइड्रोजन है नहीं तो कोई ऑप्शन बचा नहीं तो ये वाला एक हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है अब जरा इस मॉलिक्यूल को देखो यहां पे भी एक कीटोन ग्रुप है लेकिन इस एल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो जो दोनों रिएजेंट आपको दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले आपने कैसे स्टार्ट किया सोचना कि जो बेस है वो एच को निकालेंगे अब आपने देखा कि देयर इज टू रिएजेंट उन दोनों रिएजेंट में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक है और वो कौन सा है ये वाला इसके अलावा इन दोनों मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है ये ये लाइन समझ आई या नहीं आई पहले तो ये बताओ या अगर आपको लगता है कोई और हाइड्रोजन एसिडिक है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो तो अब अगर एक हाइड्रोजन एसिडिक है तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही आसान हो गया तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करे तो अब अगर ये बेस है और ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो वो इसको ही निकालेगा तो इसका मतलब है पहला स्टेप मैं बिना आराम से सोच के ये सोच सकता हूं कि भाई जो नाइट्रोजन है वो वाला हाइड्रोजन इसको एलिमिनेट कर देना राइट तो कंपाउंड जो आपको मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिल जाएंगे यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप है यहां पे आपका आ गया नेगेटिव इसके पहला स्टेप तो मैंने सोचा कैसे कि सबसे पहले जो रिएजेंट दिया अगले क्वेश्चन में ये सारी चीजें यूज करना सबसे पहले जो रिएजेंट दिया है उससे आपको क्या मिला बेस तो आपने आइडेंटिफाई किया फिर आपने क्या सोचा कि बेस का, का काम होता है हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना फिर आपने क्या सोचा कि रिएजेंट में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है तो आपको एक ही हाइड्रोजन है जो मिला आपको एसिडिक तो फिर आपने उस एच को एलिमिनेट किया और आपको मिला नेगेटिव आयन अब ये क्या बना न्यूक्लियोफाइल अब देखो न्यूक्लियोफाइल का, का काम क्या होता है कि वो एक न्यूक्लियोफिलिक साइट पे जाके अटैक करता है अब यहां पे दो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस टाइप का है जरा इसको देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है देखो ये सिक्स मेंबर रिंग है इसमें डबल डबल बॉन्ड्स हैं और ये ये C बॉन्ड O O C2, H5 है वाली जगह न्यूक्लियोफिलिक साइट है या नहीं है तो ये नेगेटिव इस जगह पे अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिए होंगे तो ऑक्सीजन जब प्लस आर होगा तो O सी टू एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएंगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है आपको आंसर मिल रहा है सी अब आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो आदित्य आपने लिखा सी टू एच फाइव वो माइनस देखो क्या होता है जब आप कोई इंडक्टिंग इफेक्ट ग्रुप लगाते हो और एटम पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कराते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों बढ़ती है लेकिन अगर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप लगाते जाओगे ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होते जाएगी और बेसिसिटी बढ़ते जाएगी इस वजह से ये एक बेस है पहला रीजन दूसरा रीजन यहां पे कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट एज सच अवेलेबल है भी नहीं तो इसलिए वो भी इसने आराम से ही अटैक करेगा क्लियर है अभी भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो आदित्य क्लियर हो गया जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने आपको बता दिया फाइन तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी मोरलेस बहुत सारे बच्चों ने पहले भी सी लिखा था सबका आंसर करेक्ट भी है फाइन क्लियर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एम इन द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर मैंने यहां पे लिखा हुआ है डी जरा देख लेते हैं सी और डी में क्या डिफरेंसेस हैं सी और डी में क्या डिफरेंसेस हैं सॉरी ये मैंने देखा नहीं तो यहां तो यहां है, तो पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप ग्रुप है है ये सी है डी लिख दिया है ठीक है तो करेक्ट आंसर सी था फाइन चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आ गए सो दिस क्वेश्चन इज आई होप ये आइसोमेरिज्म का है तो जल्दी सबका आ जाएगा तो फास्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज काइरल देखो दो टर्म्स आप आइसोमरीजम में यूज करते हो जो बच्चे को आता है वो फटाफट आंसर पोस्ट करना जिनको नहीं आता उनको मैं बेसिक सी चीज बताता हूं देखो कायरल का क्या मतलब होता है जनरली जब आप मॉलिक्यूल को कायरल कहते हो ना हमने बचपन से पढ़ा है यार कायरल कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है लेकिन जब आप मॉलिक्यूल की बात करते हो तो कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो ऑल द मॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कायरल ऑल द मॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव आर ए कायरल ऐसा हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है आपने उसको कायरल कायरल बोला लेकिन उसमें एक भी कार्बन नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है आपने उसको कायरल कायरल बोला और उसमें एक दो कार्बन प्रेजेंट तो ऐसा हो सकता है तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल तो आपको क्या बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली एक्टिव है ये बताना है ठीक है और वैसे ब्रैकेट में हिंट भी लिखा हुआ है इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोसिबल तो जिस मॉलिक्यूल के मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल नहीं होते वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो भी आप आराम से आंसर दे दोगे ठीक है चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया बट इस बार काफी सारे एरर्स मुझे दिख रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा देखो जब भी आप कायरलिटी को एक्सप्लेन करते हो ना तो सुपर इंपोजिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हो तो सिमेट्री ढूंढते हो करेक्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विनीत आपने बहुत बार डी लिखा है मैं एक बार समझाता हूं देखो होता क्या है जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है और आपको ये डिसाइड करना है कि यार ये मॉलिक्यूल या सॉरी ये मार्कर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव तो अपने मन में एक इमेजिनरी ब्लेड सोचो अगर आपने इस ब्लेड से इस मार्कर को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया और ये दो इक्वल पार्ट में कट हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा और ए कायरल कहलाएगा क्लियर है अब सवाल है मॉलिक्यूल में ऐसी सिमेट्री ब्लेड के रेस्पेक्ट में कैसे सोचते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले मॉलिक्यूल से पहला मॉलिक्यूल क्या है ए अब देखो ये स्पाइरो कंपाउंड है तो क्या ये कहना ठीक है कि स्पाइरो कंपाउंड में जो ये वाला कार्बन है वो sp3 है तो इसका मतलब ये वाली चीज जो है वो अबब द प्लेन रही होगी और एक जो है वो बिलो द प्लेन रही होगी और उसके बाद ऐसा रहा होगा चाहे कैसा भी रहे अगर मैं इसको ऐसे बीच से कट करूं तो देखो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा अगर ये दो इक्वल पार्ट में कट गया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये अकायरल हुआ यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ That means A, जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है अब जरा बी में भी अगर मैं ऐसे बीच से कट करता हूं अगर आप बिगर सेंस में देखोगे तो एक फोर है, दूसरी फोर मेंबर रिंग ऐसी है। तो भी ये बीच से कट सकता है दो इक्वल पार्ट में इसलिए ये भी एक हुआ जरा सी मॉलिक्यूल को देखो सी भी कंपाउंड्स में आता है तो अगर मैं एक फोर मेंबर रिंग को प्लेन में रखता हूं तो दूसरी फोर मेंबर रिंग को कहां रखूंगा एब द प्लेन तो ये हो गया एबब द प्लेन का डायग्राम अब आप ये देखो ये डबल बॉन्ड ओ एब द प्लेन चला गया और यह डबल बॉन्ड ओ प्लेन में आ गया तो अगर मैं इसको बीच से कट करूंगा तो वो दो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल मॉलिक्यूल है अब आप थर्ड वाले पे आ जाओ थर्ड में दोनों तरफ किटोनिक ग्रुप है तो अगर आप ऐसे कट करोगे तो देखो ये दो इक्वल पार्ट में कट गया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सी अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं क्लियर कंपाउंड सी इज कायरल नो कंपाउंड सी इज ऑप्टिकली एक्टिव यस इट इज ए कायरल मॉलिक्यूल और बहुत सारे बच्चों ने सी लिखा भी है तो अब तक मैंने दो क्वेश्चन पूछे दोनों सिंपल से थे आई होप सबके सही भी रहे होंगे सुदांगर तिवारी अभी भी डी कह रहा है डी में तो देखो मैंने लाइन जो खींची है अगर मैं वैसे कट करूं तो वो देखो दो, दो इक्वल पार्ट में कट जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ दो इक्वल पार्ट में कट गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव इन हुआ है ना देखो ए, सी वाले या कोई भी कार्बन जो स्पायरो होता है आपने लिखा कि यार वेज वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल एक से एक्सप्लेन करता हूं बहुत आराम से दोनों चीजें आप समझ जाओगे जरा एग्जाम्पल को देखना हा लेट से कि आपने पूछा कि वो वेज वाला स्ट्रक्चर कैसे बना तो मैं उसको बताता हूं देखो जब आप ऐसा फोर मेंबर रिंग लेते न, में attached, तो आप सोचते कैसे हो इसको? इसको ना, इस कार्बन आप आप की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो होगी sp3 अब आप, आप सोचो sp3 का एंगल क्या होता है 109. 109 का मतलब क्या हो? ये तो अगर ये डेट्राइडल रहा होगा तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए हंड्रेड एंड नाइन तो अगर सारे हंड्रेड एंड नाइन है और मैं इस कार्बन के रेस्पेक्ट में सोचूं तो देखो हंड्रेड एंड नाइन में टू मॉलिक्यूल को अगर मैं प्लेन में रखता हूं तो एक को अबव द प्लेन रखता हूं और एक को मैं बिलो द प्लेन रखता हूं तो ये वाला जो बीच वाला कार्बन है वो ऐसा ही है ना अगर ये दोनों बीच में रखे तो ये तो प्लेन में आ गए और बाकी के दो कार्बन कहा आ गए अबव और बिलो द प्लेन तो ये वाला जो रिंग है वो कैसा है एक फोर मेंबर रिंग ऐसी है दूसरी फोर मेंबर रिंग ऐसी है अब इसमें जो अटैचमेंट है उसको देख करके आपको ये सोचना है कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है या सिमेट्री कैसी है तो इस मॉलिक्यूल में मैंने कहा कि अगर मैं बीच से कट करूंगा तो ये दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा इसलिए सिमेट्री आ रही है इसलिए ए कायरल हुआ आया समझ में सबके तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सी सिंपल है अभी बहुत सारे बच्चे डी के लिए लिख रहे हैं मैं डी को इसलिए कह रहा हूं देखो यहाँ पे स्पायरो में अगर एक को आप प्लेन में रखोगे तो दोनों की प्लेन में आ जाएंगे दूसरा ऊपर आएगा तो बीच से आराम से कट जाएगा इसलिए सी नहीं हो सकता सी एक् कायरल है ऑप्टिकली इनएक्टिव है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका डी तो सी तो वैसे सॉरी डी तो वैसे ही नहीं होगा इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा सी आप सबके समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एंड द करेक्ट आंसर इज सी सबके समझ में आ गया आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री अब ये क्वेश्चन सिंपल है और इस टाइप के इंटीजर बेस्ड में भी काफी पूछे जाते हैं तो बहुत आराम से सोचो आप सबके पास आपके नोटबुक और पेन पेपर है उसमें लिखो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करना कोशिश करना कि सारे करेक्ट आंसर दो एरर्स को मिनिमाइज करते हुए तो हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड तो स्टीरियो सेंटर कितने बच्चे ऐसे हैं जहां पे जिनको स्टीरियो सेंटर के बारे में पता है स्टीरियो सेंटर नहीं पता है जिसको पता है वो आंसर बताना जिसको नहीं पता हो मेरी बात सुनना इन जनरल आप कोई भी दो मॉलिक्यूल ठीक है ऐसे सोचना स्टार्ट करना एनी टू मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट स्टिल देर इज अ डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई डिफरेंस हो या एनर्जी में कोई डिफरेंस हो या ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस है वो स्टीरियो आइसोमर कहलाता है राइट right? तो अब आप ये सोचो स्टीरियो सेंटर होते क्या किसी भी मॉलिक्यूल के कोई भी इतने नंबर ऑफ कार्बन जिसमें अगर आप बॉन्ड की पोजिशन को बदलो तो वो एक स्टीरियो आइसोमर बनाएगा तो उसको कहते हैं स्टीरियो सेंटर अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं उससे और अच्छी तरह क्लियर होगा मान लो कि मेरे पास देयर इज ए मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ वन मिथाइल ग्रुप एंड बोथ द मिथाइल ग्रुप आर एट सिस सिंह दोनों मिथाइल ग्रुप कहां पे हैं सिस पोजिशन में तो आप इसको क्या बोलते हो सिस आइसोमर करेक्ट अब आप कैसे सोचोगे सो, समझना ठीक है हा मैं एक बार और बता रहा हूं विनीत सुन देखो इस कार्बन को जरा देखो इस कार्बन में अगर मैं ये बॉन्ड का एक्सचेंज कर दू मिथाइल को नीचे हाइड्रोजन को ऊपर तो किसी एक कार्बन में किसी दो बॉन्ड को चेंज करता हूं तो वो इसका स्टीरियो आइसोमर यानी ट्रांस बनता है तो ये स्टीरियो सेंटर हुआ सिमिलरली इस कार्बन में भी अगर मैं इस मिथाइल को नीचे हाइड्रोजन को ऊपर लाऊं तो भी वो ट्रांस बनेगा ये भी स्टीरियो सेंटर हुआ तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हो गए दो तो डेफिनेशन क्या हुई किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे कार्बन जिसमें अगर मैं दो बॉन्ड्स को चेंज कर दूं तो वो एक नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए उस मॉलिक्यूल का तो वो स्टीरियो सेंटर है अब आप इस मॉलिक्यूल को देखो यह कायरल कार्बन है आर और एस में चेंज होगा ये कायरल कार्बन है ये आर और एस में चेंज होगा ये कायरल कार्बन है जो आर और एस में चेंज होगा ये कायरल कार्बन है जो आर और एस में चेंज होगा सो so ये ऐसे फोर कार्बन है जिसमें अगर मैं टू बॉन्ड्स का चेंज करूं तो आर से एस में कन्वर्ट हो जाएगा एस से आर में कन्वर्ट होगा तो ये फोर आर स्टीरियो आइसोमर्स सॉरी स्टीरियो सेंटर्स तो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए डी हमेशा स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पे ही होते हैं ऐसा नहीं है जैसे इस मॉलिक्यूल में दिए आर टू स्टीरियो सेंटर लेकिन कायरल कार्बन तो है ही नहीं तो इसीलिए स्टीरियो सेंटर का कायरल कार्बन से मतलब नहीं है ऑल दो कायरल कार्बन एक स्टीरियो सेंटर जरूर होता है मैं ये कह रहा हूं सिस और ट्रांस स्टीरियो सेंटर होते हैं यस होते हैं क्यों नहीं मैं तो कह रहा हूं ना जैसे देखो ये सिस आइसोमर है अब आप इसका ट्रांस बना लो तो सिस एंड ट्रांस आर स्टीरियो आइसोमर आर डाइस्टीडियोमर्स तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए स्टीरियो सेंटर क्योंकि आपने इसमें पोजिशन बदल दी तो उसका स्टीरियो आइसोमर बन गया इतनी सी बात है क्लियर है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा डी और ये क्वेश्चन किससे था आइसोमिजम से तो ये भी नोट डाउन करते रहना कि आप कौन से चैप्टर में गलतियां कर रहे हो ठीक है फाइन चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं आप तो क्वेश्चन नंबर फोर सिंपल सा क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है आई होप इसका आंसर सबका करेक्ट आएगा और कोई गलतियां होंगी भी नहीं तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग दर्बोकटैन विल बी आपके पास फोर कार्बो का है और अलग अलग जगह पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे 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 है सो आपके पास फोर पोजीशंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है आपको बताना है इन चारों में करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी जल्दबाजी में बताओगे तो देखो तो गलत होगा थोड़ा आराम से सोच के बताना बट जनरली ज्यादातर बच्चों का आंसर करेक्ट ही आता है तो मोरोलेस देखते हैं थोड़ी देर में बताता हूं थोड़ी देर में बताता हूं क्या करेक्ट आंसर होगा लेकिन तब तक, तक आप अपने अपने आंसर को लिखते जाओ फटाफट लिखना चलो सबने जब ज्यादातर बच्चों का आंसर करेक्ट आएगा तो जल्दी से मूव कर जाएंगे और ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है देखो ना पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन इज हाइली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं ना तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम एक ही चीज देखते हैं कार्बोकेटाइन में और वो क्या है कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज को कितना कम कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज को कम दो तरीके से किए जा सकते हैं फर्स्ट इज इंडक्टिंग इफेक्ट सेकेंड इज रेजोनेंस। तो जरा देखना थर्ड वाले कंपाउंड पे ऑक्सीजन के पास प्लस आर इफेक्ट है और ये जो पेयर है वो टूपी और में है और टू पी का आर इफेक्टिव होता है लेकिन क्लोरीन में भी लोन पेयर है लेकिन ये लोन पेयर किसमें होते हैं थ्री पी में तो इसीलिए इसका इफेक्ट होता है माइनस आई डोमिनेट कर जाता है प्लस आर के रेस्पेक्ट में इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेबल कौन से हो 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 गए गए थर्ड थर्ड वाले थर्ड वाले क्यों बिकॉज ऑफ जो कि रेजोनेंस रहा है ऑक्सीजन का अच्छा उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाने चाहिए फर्स्ट वाला क्योंकि यहां से मिथाइल का भी प्लस आई है इसका भी प्लस आई है इसका भी प्लस आई है तो इसलिए फर्स्ट हो गया फर्स्ट के बाद आएगा फोर्थ फोर्थ क्यों पार्शियल प्लस आर है तो थोड़ा बहुत तो स्टेबिलिटी में आ ही रहा होगा और ब्रिज हेड तो खैर सबको याद ही है कि ब्रिज हेड में पॉजिटिव चार्ज का होना हाईली अनस्टेबल है स्ट्रेन को इंक्रीज करता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है इसलिए लीस्ट स्टेबल हो गया टू तो जो आप आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही है द करेक्ट आंसर इज ए ए में हाइपर कॉन्जुकेशन भी है फर्स्ट वाले में वो मैंने इंडक्टिंग इफेक्ट बताया इस हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं बताया उसकी जरूरत भी थी नहीं बट जरूर है हाइपर कॉन्जुकेशन जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ भी रही है परफेक्टली फाइन यस ब्रेड रूल भी किसी को याद है कि ब्रिज हेड पोजिशन पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली फाइन सो द करेक्ट आंसर इज ए द चैप्टर इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपने नाइट्रेशन पड़ा होगा और ये उसी के ऊपर बेस्ड है सो देर इज ए टू बिंग अटैच विध एन एच सी डबल बॉन्ड ओ दिस एनो टू प्लस विल अटैक टू दीस टू बेंजीन रिंग आपको बताना है किस बेंजिन रिंग पे अटैक होगा सिंपल था क्वेश्चन है मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे तो फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एस ई न्यूक्लियो लेक्ट्रोफिलिक एरोटिक सब्सटीट्यूशन ई एस में चैप्टर वाले में आपने इसको पढ़ा भी है ठीक है एक बार आंसर लिखना बार बार नहीं है ना वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है बट देखते हैं और बाकी सबके फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है जो आसान होगा क्वेश्चन उसको जल्दी से करना है ठीक है चलो सब ने सी बोला है राइट तो सब सब सबका रिवीजन इतना अच्छा है कि सब कोई गलतियां कर ही नहीं दे एनी anyway, देखो इस क्वेश्चन में ये है कि दिस इज़ ए इलेक्ट्रोफाइल और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे बहुत जल्दी और रूम टेम्परेचर पे अटैक करता है तो कोई अगर पूछे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक क्यों करता है तो सिंपल सा आंसर ये होता है कि बेंजीन रिंग आर इलेक्ट्रॉन रिच अब अगर कोई भी ग्रुप जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देंगे अब मेरे पास दो बेंजीन रिंग है एक है ए लिख लेते हैं और एक में लिख लेते हैं बी देखो बी वाले में ना आपने कीटोनिक ग्रुप लगाया जिसका इफेक्ट होता है माइनस आई माइनस आर ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा लेकिन जो ए वाला है उसमें लगा है नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है और ये शो करता है प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट लेकिन प्लस आर डोमिनेट करता है तो प्लस आर की वजह से ये बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है एज कंपेयर टू द बी वन इसलिए पहला रूल तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ए वाले पे अटैक करेगा अब ए पे दो ऑप्शन हैं क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है और पैरा पे भी अब ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस है तो कहां अटैक होगा पैरा पे इसलिए जो आप आंसर लिख रहे हो बिल्कुल सही है द करेक्ट आंसर इज सी और मोरलेस ये बड़ी अच्छी बात है सबने सी लिखा है सबने ये सारी चीजें रिलेट करके आंसर बताया बिल्कुल ठीक है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्ट आंसर इज सी हाइड्रोकार्बन बहुत देर के बाद आया इसमें शायद गलती कर सकते हो थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है बट है ऐसा कुछ बड़ा नहीं सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार आपने इसको पढ़ा भी होगा क्लास इलेवन कई बार बच्चे भूल जाते हैं तो वो एक हो सकता है अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी आंसर बताओगे सो देर इज ए एक्स दैट इज ट्रीटेड विद एजी सिल्वर एट हाई टेम्परेचर विल गिव यू दिस मॉलिक्यूल बी एस ओफ और लिंडलिस्ट वो आपको वाई दे रहा है और इसमें एच टू एन आई डालते हैं तो जेड मिल रहा है तो क्या करेक्ट आंसर होगा इतनी जल्दी आंसर अगर आएंगे तो देखो गलती हो सकती है वैसे एक बार चेक कर लेता हूं जो आप आंसर दे रहे हो क्या है ठीक है सिल्वर एजी और हीट का रिएक्शन आपने पढ़ा है किस रिएक्ट किसी को याद है तो जरा बताओ तो उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं एजी और हीट क्या करता है किसी को याद है पहले एक एक स्टेप करके बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में एजी और हीट किसी को याद है कि सिल्वर को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है और कैसी रिएक्शन होती है ए जी सी एल थ्री के प्रिपरेशन में कार्तिक रेडी यू अंडरस्टैंड दैट वन आल्काइन की प्रिपरेशन में आपने एजी और हीट यूज किया था एंड ट्राई कंपाउंड्स ट्राई हेलो कंपाउंड्स में और इसका करेक्ट आंसर होगा सी और कुछ बच्चों ने सी लिखा भी है तो करेक्ट आंसर है सी जरा समझते कैसे देखो जो एक्स कंपाउंड है ना वो आपने लिया होगा इस टाइप का कि थ्री मेंबर रिंग है इसमें सी वन सी एल टू सी एल एंड थ्री सी एल इसको आप रिएक्ट कराते हो एजी के साथ एट हाई टेम्परेचर आपको पता है एजी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं तो एजी से एजी प्लस मिलेगा तो अब आप रिएक्शन देखो जरा कैसी होगी सबसे पहले आपको एजी से एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिला एजी प्लस की एफिनिटी हेलोजन के लिए बहुत ज्यादा होती है तो यह एजी प्लस इस हेलोजन को निकालेगा तो यहाँ स्टेबल कार्बोकेट बन जाएंगे और आपको मिलेंगे ऐसे कार्बोकेट और ये एजी सीएल प्रेसिपिटेट हो गया ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लस पे आके लगा सो इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन फ्री रेडिकल राइट तो ऐसे दो कार्बन फ्री रेडिकल होंगे वो आपस में कॉम्बाइंड हो जाएंगे फिर जो आपने एजी डाला उससे आलकाइन बन जाएगा तो इसलिए यह कंपाउंड तब मिला जब आपने इस एक्स वाले पे एजी डाला और उसके बाद आप एच टू एन ई डालते हो तो आपको ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होंगे आपको सिन एडिशन कराएगा का तो वो दोनों प्रोडक्ट तो खैर इजी थे इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया सी क्लियर है सबके समझ में आ गया कोई डाउट है तो दो कुछ सेकंड वेट करूंगा आपके इस डाउट के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सबके समझ में आ गया कोई डाउट तो नहीं किसी को एट फर्स्ट लो कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ एजी विच अंडर गो एडिशन रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग सब्सिट्यूशन काइंड ऑफ थिंग फ्री रेडिकल आपस में कॉम्बाइंड हो रहे हैं इट फॉर्मस आलकाइन दल्काइन इज ट्रीटेड विदलसिस्ट एंड एच टू पीटी तो आल्किन और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ ठीक है एक्स एक बार और बताऊ कुछ ने लिखा है क्लियर है कुछ ने लिखा है एक्स एक बार एक्स वाला तो खैर सिंपल सा था देखो एक्स मैंने कहा है कि ये कार्बन है ये CL, ये CL, ये CL. तो मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप ए जी लेते हो तो पहला काम क्या है ए जी प्लस इलेक्ट्रॉन एजी प्लस क्या करेगा सीएल निकाल देगा सीएल के निकलते ही कार्बन पे चार्ज क्या आ गए पॉजिटिव पॉजिटिव ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया कन्वर्ट किस में हो गया कार्बन फ्री रेडिकल में ऐसे कार्बन फ्री रेडिकल कितने थे दो थे वो दोनों आपस में कॉम्बाइंड हो गए और दोबारा सेम चीज आके चले गए क्लियर है इजी चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी कम टाइम लगना चाहिए द फॉलोइंग इज अ करेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ये एस एन वन ए आर भी होता है एस एन टू ए आर भी होता है और ये एग्जाम्पल एस एन टू ए आर का है एस एन टू ए आर में रेट ऑफ रिएक्शन किसके फास्ट है जल्दी से बताओ प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत सारे बच्चों ने खैर देखा भी होगा तो जल्दी से बताओ फास्ट एस एन टू ए आर न्यूक्लियोफुल सब्सटीट्यूशन सेकेंड ऑर्डर मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बच्चे देख के आए होंगे प्रीवियस ईयर से है तो शायद सबके आंसर्स करेक्ट आएंगे बी 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 ग्रेट देखो दो चीजें होती है एस एन टू ए आर में समझना इस बात को क्या है बहुत बहुत सिंपल सा और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जब आप बेंजीन रिंग में कोई भी लिविंग ग्रुप लगाते हो और उसको एस एन टू ए आर में ले जाते हो ना तो लिविंग ग्रुप के नेचर के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट वाले में वो सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है और वो क्या है वो ये है यहां देखना जरा और नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछना देखो मान लेते हैं Sorry. मान लेते हैं कि आपने बेंजीन रिंग ली और एक लिविंग लिविंग लगाया वो जो कि 350, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से बियॉन्डी होती है सही है अब आप न्यूक्लियो अगर इस पर अटैक करता है तो पहला स्टेप क्या होता है पहला स्टेप होता है ये लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है यहां नेगेटिव है अब आप सोचो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलती है ये प्लस आर इफेक्ट होता है और फिर यह लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना सेकंड स्टेप में जो रेडिटर है ही नहीं क्लियर है ये लाइन समझ आई सबके अब आप ये देखो कि ये न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक क्यों किया क्योंकि यहां पार्शियल प्लस था ये पार्शियल प्लस किसकी वजह से इस लिविंग ग्रुप की वजह से क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट है तो हमेशा याद रखना SN2AR में जो लिविंग ग्रुप होता है उसका -I जितना ज्यादा होगा उस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव उतने ज्यादा होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन उतने ज्यादा होंगे लिविंग ग्रुप के नेचर को बिल्कुल मत देखना अब यही कांसेप्ट इस क्वेश्चन पे यूज करो तो देखो फ्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में लेकिन -I प्रोमिनेंट है तो पार्शियल प्लस जो होगा वो यहां पे काफी बड़ा होगा यहां पे थोड़ा कम होगा यहां पे और भी कम है और आयोडीन का माइनस आई सबसे कम है तो ये और भी कम हो गया इसीलिए ऑर्डर इस टाइप से आए ये लाइन समझ आ गई सबके क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है तो चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है बी आर हेलाइड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था और सबका आंसर पहले ही जब मैंने पूछा तो सबने सही और करेक्ट आंसर दिया था फाइन क्लियर है अभी भी डाउट है तो पहले पूछ लो कुछ बच्चे लिख रहे हैं अभी भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर गया सो so, आपने इस स्क्रीन में ये देखा होगा कि देर आर थ्री मॉलिक्यूल ए बी सी एंड डी और आपने एनहाइड्राइड को डाला है तो बस आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है यार कि ए बी सी डी में उस एनहाइड्राइट पे अटैक कौन का साइड से हो रहा है ए से बी से सी से या डी से यार राज वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी बैच एनी न्यू बैच फॉर टू ईयर प्रोग्राम ठीक है आपने बहुत बार पूछा इसलिए मैंने आंसर दिया सबने लिखा है बी चलो थोड़ा और वेट कर लेता हूं पहले फिर देख लेते हैं देखो इसमें एक चीज आपको सोचना है मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंट अगर दूं तो कैसे तो यहां पे ना एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है ध्यान से देखना ये वाली तो आपको बस ये चेक करना है यार इन चार मॉलिक्यूल जो एबीसीडी लिखा है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक

सी को हटा देते हैं और ए को यहां से तो अटैक नहीं होंगे अब आपके पास बच रहा है कौन कौन सा एक है डी और एक है बी देखो ध्यान से समझना न्यूक्लियोफाइल के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजन के लोन पेयर के डेंसिटी के अलावा वो है स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ये चीज मेटा पे लगी है तो स्टेरिकली हिंडर्ड है ये चीज पैरा पे लगी है तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा रहा होगा तो बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बी तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी तो किसी किसी ने डी भी लिखा है वैसे तो डी और बी में कंफ्यूजन था खैर आप समझ आ गया होगा डी और बी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है और वो है स्टेरिक हिंड्रेंस दैट्स इट फाइन सबके समझ में आ गया यार नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल द क्लासेस बी और डी में कंफ्यूजन था खैर मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया भी अभी ए और बी में तो खैर किसी को डाउट ही नहीं रहा होगा फाइन चलो अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो करेक्ट आंसर इज बी चैप्टर इज एल्कोहॉल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एल डी आइड एंड टोन तो एक आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि आपने में इस काफी होंगे और बार बार आपको अपनी अपनी क्लासेस में समझाया so, को रहा है तो मैं उसके लिए लिख रहा हूं तो यहां पे किटोन है एंड दैट इज ट्रीटेड विथ ओए सी एच टू सी एच टू ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस तो आपको ए दे रहा है उस पर आप लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड डालते हो लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड तो आपको बी मिलता है आपको ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं रिएक्शन तो याद है तो फटाफट कर लोगे यार आज इलेवेंथ का बैच नहीं आएगा आप डेली क्लासेस होंगी ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या डाला उसमें वन टू डाई हाइड्रोक्सी इथेन एच प्लस के प्रेजेंस में फिर आपने डाला लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड आपको मिला बी आपको बताना है ए और बी क्या होंगे चलो बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ गए सी कोई कह रहा है कोई कह रहा है डी फाइन तो वैसे ज्यादातर बच्चे आज की क्लास में जो आंसर्स दे रहे हैं वो बहुत सही है तो किसी किसी का थोड़ा सा एरर है देखो अगर आप किसी ने ए भी लिखा है तो आपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन में आसान सा कॉन्सेप्ट है और प्रोटेक्टिंग ग्रुप में आपने पढ़ा है कि एल्डियाइड और कीटोन पे आप जब एल्कोहल डालते हो तो आपको एसिटल मिलते हैं है ना और वो एसिडल प्रोटेक्ट करते हैं उस कीटोन को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में बट ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपने एस्टर्स में नहीं देखे क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट उतनी स्ट्रांगर नहीं होती इसीलिए ये जब आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप डालोगे तो इस पर तो अटैक नहीं करेगा तो इसी पे करेगा तो जो ए होना चाहिए वो कीटोन पर होना चाहिए ना कि एस्टर पर तो मैं एस्टर को एज इट इज रख देता हूं और इसको प्रोटेक्ट करा देता हूं इस ग्रुप के साथ तो ये हो जाएगा ए एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ईथर्स ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते अब आप लिथियम एल्यूमुनियम हाइड्राइड डालो कोई फर्क नहीं पड़ता बस एच प्लस डालोगे तो वापस वही बन जाएगा तो जब आप लिथियम एल्यूमुनियम हाइड्राइड डालोगे तो दिस एस्टर इज गोइंग टू कन्वर्ट एल्कोहल एंड जब आप H+ प्लस डालोगे तो ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा कीटोन इसलिए आना चाहिए करेक्ट आंसर सी फिर भी अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो लिखना उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सबके समझ में आ गया तो पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप से कीटोन को प्रोटेक्ट किया उसके बाद लिथियम अल्यूमुनियम हाइड्राइड डाल के एस्टर को रिड्यूस किया फिर एचप्लस डाल के प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डी प्रोटेक्ट किया बस सही है फाइन तो चलो फिर आते हैं फटाफट से टेंथ क्वेश्चन में तो करेक्ट आंसर इसका सी सो द टेंथ क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्वार्टरनरी एमोनियम कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और ये प्रिपरेशन भी है और हॉफमैन प्रोडक्ट कई कंडीशंस में आप हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हो ये उसके ऊपर भी है तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट के ऊपर है तो फटाफट से आंसर दो मुझे लगता है जल्दी आंसर आ जाएगा इसका तो कुछ सेकंड दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फटाफट से बताना तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी ये पढ़ते हो आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हो ठीक है तो फटाफट क्या होगा करेक्ट आंसर सी 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 बट वन ई एन ई चलो बिल्कुल सही है देखो कई बार क्या होता है जब ये इस टाइप से न्यूमन प्रोजेक्शन दिया रहता है तो थो थोड़ा कंफ्यूजन होता है यार प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा बट इस वाले में तो खैर हॉफमैन का कोई लॉजिक भी नहीं था और आप सीधे सीधे अगर आप हाइड्रोकार्बन चेक करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे देखो देर इज ए कार्बन एट दिस पोजिशन है ना एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन इसके पीछे है तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखता हूँ तो पीछे की तरफ आप देखो सी एस थ्री दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको और वो अटैच है किसी एक कार्बन के साथ उस कार्बन में एक जगह हाइड्रोजन है ये वाला एक जगह एन क्वाटरनरी वाला कंपाउंड लगा है हैविंग थ्री मिथाइल ग्रुप सही है और एक जगह लगा है सी एच टू और सी एच थ्री ये सी एच टू और सी एस थ्री मैंने ये वाला पार्ट लिया है अब आप जब इसमें बेस डालोगे तो यही वाला अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा तो आंसर आना चाहिए बट वन ई एन ई और सारे बच्चों का आंसर सही है बट वन ई एन ई क्लियर तो ईजी था आ, लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते तो टू एन नहीं आता तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि क्वार्टर ये वाली बात बस याद होनी थी कि क्वार्टर एमोनियम कंपाउंड अगर है तो सेटजेफ और हॉफमैन हॉफमैन में हौफ्में बनता है जो लेस स्टेबल होता है लेस टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को अटैक करता है ठीक है लगा था क्या मतलब ये तो बहुत आसान सा था कि सी आंसर होंगे फाइन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी सिंपल है आगे बढ़े कोई डाउट है तो पहले पूछ लो क्या नहीं समझ में आया पहले लिखो अपने कमेंट पे मैं बस न्यूमेन प्रोजेक्शन को आपको खोल के दिखा रहा हूं तो मैंने कहा यार सेकंड वाले कार्बन में नाइट्रोजन वाला लगा है आप हॉफमैन बनाओगे तो इसी एच को एलिमिनेट करोगे तो आपको यहीं पे डबल बॉन्ड मिलेगा तो वन वाला प्रोडक्टिव होना चाहिए तो बहुत आराम से आपने वन कहा ठीक है फाइन चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ आज का ये सबका फेवरेट होता है कैनिजेरो जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो तो याद है कैनी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है एक रिएक्शन और भी होती है जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में आती है और वो है फिडिल क्राफ्ट ये दो तीन ऐसे रिएक्शन है जो हर बच्चे याद करके जाते हैं तो ये कैनिजारो के ऊपर बेस्ड है तो फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इन द कैनिजारो रिएक्शन द इंटरमीडिएट दैट विल बी द बेस्ट हाइड्राइट डोनर तो इन चार में से कौन अच्छा हाइड्राइट डोनर है ये इंटरमीडिएट का स्टेप है मतलब डिटरमाइनिंग स्टेप में एच माइनस निकलता है ना तो इन फोर यू हैव फोर ऑप्शंस ए बी सी डी आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच मॉलिक्यूल विल डोनेट एच माइनस फ्रिक्वेंटली एंड वेरी फास्ट फास्ट करो अब आपको बस ये समझना है कि लॉजिक क्या होता है एच माइनस का निकलने का दैट्स इट उसके अलावा तो इसमें आसान सी चीजें बहुत आराम से बता दोगे तो इसमें शायद थोड़ी गलतियां हैं बहुत सारे बच्चे डी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ए लिख रहे हैं तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए देखो ये आप सब मानते हो ना कि यही वाला हाइड्रोजन है जो निकल रहा है अब आप इस मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ देर इज ए कार्बन हाइड्रोजन और यहां पे आपने एक ग्रुप लगाया जो कि बेंजीन का है इन चारों केस में तो आप उस ग्रुप को छोड़ देते हैं मैं इन जनरल बेंजीन की बात करता हूं देखो ओ माइनस का प्लस आई इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आ रहे हैं इसीलिए एच माइनस निकल रहा है ये मानते हो तो इसको क्या ऐसे सोचना ठीक होगा कि देखो ये कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उससे एच माइनस का निकलना आसान होगा भाई ओ माइनस तो दे ही अगर ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ पुश हो जाएंगे अब हाइड्रोजन की तरफ पुश हो जाएंगे तो का निकलना आसान हो जाएगा तो क्या मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं एनी फंक्शनल ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन शोइंग प्लस आई सोइंग प्लस आर इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन वो H- का निकलना

माइनस का निकलना सबसे स्लो हो जाएगा तो यह हो जाना चाहिए करेक्ट एक लाइन में आंसर तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए अभी भी डाउट है तो फटाफट से पूछो नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा फास्ट बताना जल्दी बताना है क्लियर है सबके समझ में आ गया इजी है फाइन तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ करेक्ट आंसर इसका ए है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिगना रिएजेंट एक्सेस में डाला है जन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्सेस में डाला है और आपको यह बताना है एच थ्री ओ प्लस और हीट किया है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा ग्रिग्नाड रिजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक है आराम से बता सकते हो बहुत आराम से सोचो और करेक्ट आंसर बताओ फास्ट करना है सो देयर इज ए एमाइट है ना थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनाए उस थैलिक एनहाइड्राइड में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला है एक्सेस में और उसके बाद एसिडिक वॉटर डाला है और हीट किया है तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट मिलेंगे प्रियांशी मिश्रा धीरे धीरे स्टार्ट करो मतलब आप इंस्टेंटली ये मत सोचो कि एडवांस के क्वेश्चंस कर लें एच सच ऑर्गेनिक में एडवांस में भी इतने डिफिकल्ट या ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप एडवांस क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर सकते हो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे नवल किशोर वर्मा दोबारा सोच अब एडवांस की क्लास जब जब सारे बच्चे कह रहे हैं तो एडवांस करूंगा बट आप अपने अपने टॉपिक जो वीकर सेक्शन वीकर एरिया है वो बताना वो उसकी क्लासेस मैं लूंगा ठीक है टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना वो वाली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे यस yes, मिश्रा इज मोर देन फॉर यूर जेई मेन चलो सबके आंसर आ गए और बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट देने स्टार्ट कर दिए तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से सी होना चाहिए एक बार ट्रॉ करके देख लेते हैं so, सो नाइट्राइड में आपने बेंजीन रिंग लिया और जब भी आप ग्रिगनाड रिएजेंट डालते हो तो पहला लॉजिक तो यही कहता है कि आप उसको एज ए न्यूक्लियोफाइली अटैक कराओ तो मैं पहले ऐसा करता हूं कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैं एम का अटैक इस कार्बन पे कर देता हूं तो मेरे को जो पहला स्टेप मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे ओ एम जी बी आर यहाँ पे मिथाइल ये ओ डबल बॉन्ड ओ अब देखो इसका प्लस आर इफेक्ट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा सो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू किटोनिक ग्रुप राइट ऊपर वाला स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है किटोनिक ग्रुप में और नीचे वाला स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है ओ एम जी बी आर में फिर से ग्रिगनाट आएगा यहां पे अटैक करेगा तो यहां पे टर्शरी बन जाएगा और यहां पर सीओ एच बन जाएगा तो सी जो आप कह रहे थे आंसर बिल्कुल सही है सी करेक्ट आंसर होना चाहिए सबके समझ में आ गया सी एन ए में किसी को डाउट था ए तो खैर हो नहीं सकता यार मिथाइल में चार्ज नेगेटिव होता है ओ पे भी माइनस नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड यानी एस्टर तो कभी बन नहीं सकते इसीलिए बी तो हो ही नहीं सकता तो करेक्ट आंसर सी होगा फाइन चलो सब ने आंसर दिया है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो करेक्ट आंसर इज सी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन बेस था नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ये बायोमालिक्यूल के ऊपर है और जेई मेन में बायो मोलिक्यूल काफी क्वेश्चंस आते भी हैं या कुमार अगर आप बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हो ना हीट करके कुछ होता नहीं है जनरली अगर वो एलिफेटिक होता और आप हीट करते तो मैं ये कह सकता था यार वो कार्बोक्सिलिक एसिड डी हो जाएगा बट वो बेंजोइक एसिड था इसलिए मैंने वैसा नहीं किया ठीक है आपके पास फोर स्टेटमेंट है और इस फोर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है सुनना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथाइल ग्लाइकोसाइड एसिटल लिंक अगर आपको याद है तो आप इसको बहुत आराम से कर पाओगे सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है एनसीआरटी में दिया हुआ है और जेई में पूछ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो मैंने इसलिए ऑप्शन चेंज कर दिए ताकि सिंगल चॉइस बन पाए तो रिगार्डिंग द रिएक्शन डी सो फोर स्टेटमेंट है वन टू थ्री फोर आपको बताना इन चारों में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है सो ए बी सी और डी जल्दी से बताओ क्या होगा फास्ट मैं इसमें पहले आपको एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ वो बहुत आराम से आप समझ भी जाओगे और आपको रिएक्शन भी याद आ जाएगी देखो जो डी ग्लूकोज है अगर आप उसमें मीथानोल डालते हो और एच तो वो डी ग्लूको पायरनो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और याद रखना ये वाला जो कार्बन है कौन सा ये वाला वो एनोमेरिक कार्बन है और एनोमेरिक कार्बन अगर है तो उसके टू फॉर्म्स पॉसिबल हैं अल्फा और बीटा क्योंकि वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सारे इनकरेक्ट एनचोमर तो हो नहीं सकते तो बहुत आराम से इसका आंसर क्या हो जाएगा वन एंड थ्री यानी ए बहुत सारे बच्चों ने ए लिखा भी था किसी किसी ने डी लिखा था फोर को भी कहा था बार फोर देख लेते हैं इन वन ऑफ दीज ऑल सब्सिट्यूएंट आर इक्वेटोरियल जरूरी नहीं ना जो मिथाइल ग्रुप है वो एब अब और बिलो दोनों प्लेन में हो सकता था तो इसलिए वाला आंसर करेक्ट नहीं होना चाहिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी ए वन एंड थ्री क्वेश्चन किससे है बायोमोलिक्यूल से थियोरिटिकल होगा राइट right? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फास्ट करना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो अगेन फ्रॉम प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे ने देखा होगा ये वाला तो जल्दी से बता भी दोगे तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका सी एच थ्री सी एच टू टू हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन उसमें H+ प्लस डाला है F मिल रहा है ब्रोमीन डाल रहे हैं सी सी एल फोर में तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है सी फोर एच एट बी आर टू जो फाइव सच प्रोडक्ट आर पॉसिबल यानी उसके फाइव प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये आपको बताना है हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ एफ आर पॉसिबल तो किसके कितने स्ट्रक्चर होंगे एफ के किसके बताने एफ के एफ के कितने स्ट्रक्चर होंगे अगर ब्रोमीन और CCl4 फोर के डालने से उसके फाइव स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो करण मिश्रा इक्वेटोरियल तो था मैं कह रहा हूं एक्सेल इक्वेटोरियल दोनों बन रहे थे ना तो सिर्फ एक प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है चलो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ एक देखो प्रोडक्ट तो डबल बॉन्ड यहां आ गया एक डबल बॉन्ड आपका ऐसा आ गया और अगर ये है तो ये भी है तो ये वन ये टू और ये थ्री कितने प्रोडक्ट बन रहे थ्री और ब्रोमीन डालोगे तो फाइव बनेंगे क्योंकि एक कायरल बन रहा है दो कायरल बन रहे हैं उसके डी और एल बन रहे होंगे तो आराम से इसका आंसर क्या आ जाएगा थ्री है यू फोर और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया भी है कि फोर 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 डी 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 तो बिल्कुल सही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री सिंपल सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में था तो बहुत सारों को याद भी रहा होगा सो थ्री स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल सिस और ट्रांस को अलग अलग स्ट्रक्चर मानना नहीं तो गलत हो जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री कंसिडर करना है श्रीकांत बिल्कुल यही यही कंफ्यूजन होता है एक्चुअली कई बार होता है कि आपको ये चीज आती है लेकिन आप ना टू ब्यूटीन को एक ही प्रोडक्ट मान लेते हो और ट्रांस को भी एक ही तब तब गलती होती है तो जब कुछ लिखा ही नहीं है तो आप उसमें कह रहे हैं फाइव पॉसिबल स्ट्रक्चर तो उसने स्टीरियो आइसोमर काउंट किए तो आपको भी करना है और सारे स्टीरियो आइसोमर के साथ बताना है फाइन चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला बहुत आराम से सॉल्व करो आ, कुमार आ, आ, जैसे ये क्लास खत्म होगी ना तो इसके कमेंट पे आप लोग अपने अपने डाउट्स के सेक्शन डालना कौन सा चैप्टर में आपको ज्यादा डाउट आता है एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने क्या आपको एक्चुअल में अभी चाहिए तो उस कोशिश करेंगे कि उसके सेशंस को लें अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पोस्ट कर सकते हो कि किस टाइप के सेशंस आपको और करने हैं कैसे क्वेश्चंस देखने हैं ठीक है सो दिस मॉलिक्यूल देयर इज एच जी ऑक्सी मार्कुरेशन डी मर्कुरेशन जब आप एल्किन से एल्कोहल में कन्वर्ट करते हो एल्किन को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हो तो तीन प्रोसेस आपके सिलेबस में है। एक होता है एक एक होता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस और एक और ऑक्सीमरको पढ़ते हो और वो क्या होता है <coughs> हाइड्रोबोरेशन इनमें डिफरेंस क्या है एक सिस प्रोडक्ट देता है एक रूल को फॉलो करता है तो ये तीन चार पार्ट है जो आपको देखने तो क्या करेक्ट आंसर होगा ये बताओ नहीं इसमें डी आंसर नहीं होगा मैं उसका आंसर बता रहा हूं क्यों नहीं होगा बहुत सिंपल सी ट्रिक है देखो जब आप ऑक्सीमर्कुरेशन डी मर्कुरेशन करते हो ना तो आपको पता है एक थ्री मेंबर रिंग बन जाती है इंटरमीडिएट के फॉर्मेट में एच जी ओ ए सी प्लस की और उसके बाद जब आप इसमें वाटर डालते हो तो वाटर का अटैक होता है तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं तो वही अटैक कर दे यहाँ पे और ये बाहर निकल जाए क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होता है इसलिए अगर इसने इस पर अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी क्लियर है देखो मैंने काफी जल्दी 15 क्वेश्चंस कराए हैं आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल नीट विद में ये थोड़ा इनएक्टिव सा था अब एक्टिव होगा तो कल मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ फिजिकल केमिस्ट्री के चार बजे तब तक ये सारे क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आए होंगे वो पूछना आ, कमेंट बॉक्स पे उसके आंसर करूँगा या टेलीग्राम पे पूछना वहाँ पे भी आंसर करूँगा तो कल मिलते हैं कल से हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आराम से पढ़ते रहो ऐसी प्रैक्टिस करते रहो ठीक है थैंक यू